ज्यादा होता। यूजुअली बीपी के पेशेंट्स को दर्दान ज्यादा रहते, पैरालिसिस पेशेंट को जो है दर्दान ज्यादा रहते, तो इनको खून पतला करने की जरूरत रहती इस लहसुन से। ये लहसुन को, तीन लहसुन के कलियां आपको चल के एक कप दूध में डाल के पका के आधा कप बना के पियेंगे हर दिन सुबह, तो इंशाल्लाह इससे खून पतला हो जाता। यूजुअली जो है किडनी के पेशेंट्स को दूध नहीं बनता, तो किडनी के पेशेंट्स को नको, बाकी के जो भी बीपी के पेशेंट्स हैं उन्हों, तीन लहसुन के कलियां एक कप दूध में और आधा चम्मच शहद कुचल के डाल डालो, लहसुन के कलियां पका के एक कप से आधा कप करके पियो, और जिसे शुगर है उन्हों शहद नक को लियो, दूध और लहसुन, जिनको भी जो भी डायबिटिक पेशेंट है और जिनको भी पैरालिसिस है, जिनके हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहे, उन्हों एक कप दूध में तीन या चार लहसुन के कलियां कुचल के डाल के पका के आधा कप करके पियेंगे, तो इंशाल्लाह उनका खून का फ्लो अच्छे से हो जाता और इंशाल्लाह उनका हाथ पैर मूवमेंट करना भी शुरू कर देता। इस लहसुन